सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान फार्मिंग टीवी पर। दोस्तों, आज मैं आया हूँ सूरजगढ़ गांव में चौधरी गोट फार्म के ऊपर। ये भाई साहब 2 सालों से बकरी पालन कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैं आपको इनसे मिलवाऊँगा और जानेंगे इनका बकरी पालन का सफ़र अब तक कैसा रहा। तो आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको जानकारी वो अच्छे से मिल सके। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अपनो पूरा एड्रेस और नाम बता दे पहले तो। यहाँ पूरा एड्रेस जी, गांव गोपालपुरा, पोस्ट सूरजगढ़, डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू, राजस्थान। सूरजगढ़ से कितना दूर पड़ता है? सूरजगढ़ से पड़ता है साहब ये जाखोद रोड पे 3 किलोमीटर। अच्छा, और आपका मोबाइल नंबर और बता दो। मेरा मोबाइल नंबर है 7427044550। अच्छा, कितना साल है आपने बकरी पालन करता है? बकरी पालन करते हुए हो गए तीन साढ़े तीन साल। 3 साढ़े 3 साल हो गए। हाँ जी। इससे पहले क्या किया करता? इससे पहले बस यही खेती बाड़ी और उससे पहले टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे बाहर। अच्छा, तो जैसे आप भी बताओ कि टेलीकॉम कंपनी में काम करा करता जी और खेती भी कर रहा हो, तो बकरी पालन की कैसे सोच लिया आपने? बकरी पालन का ये मेरे को अच्छा लगा थोड़ा सा, इधर उधर से देख के देखा कि इसमें प्रॉफिट बढ़िया है, तो उसके बाद ये कर लिया। खेती बाड़ी भी चल रही है और अच्छा बकरी फार्म कर लिया था। वही पहले फार्म विजिट करा था कुछ या वैसे वीडियो देखे? नहीं, बस यूट्यूब पे वीडियो देख के। अच्छा, फार्म विजिट कौन करे पहले? नहीं जी, फार्म विजिट नहीं किया। अच्छा, तो ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी कड़े? नहीं, ट्रेनिंग भी नहीं ली। तो जैसे शुरू में आपने स्टार्ट करे तो कितना जानवर स्टार्ट करे थो? शुरू में स्टार्ट किया था अपने 10-12 बड़ी बकरियों से, कुछ बच्चे थे कुछ बकरियाँ थी। 10-12 बकरियों से शुरू किया था? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे और इन्वेस्ट कितना हो गया? इन्वेस्ट हो गया साहब इनमें 6 लाख के आसपास, बकरी और शेड को। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो शेड आपने जो बना रखे हो स्टार्टिंग में बना लिए थे या बाद में कुछ चेंजमेंट? ये बकरी फार्म शुरू करने के 5-6 महीने बाद में तैयार किया था। अच्छा, तो जैसे आपके नबिया ब्रीड है? हाँ जी। ये सिरोही ब्रीड है? हाँ हाँ। तो ब्रीड तो और भी हैं अपने, आपने सिरोही कैसे चुन ली? सिरोही जी, इसकी क्या है कि बच्चे तो बढ़िया तैयार होते हैं। अच्छा, बच्चे ये स्टॉल फीडिंग पे भी कामयाब हो जाती है। अच्छा, और जो नस्ल है वो स्टॉल फीडिंग पे कम सक्सेस होती है। अच्छा, और बच्चा ग्रोथ अच्छा कर रहे हैं? हाँ, बच्चे इसकी बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं। अच्छा, तो फिलहाल आपके कितना जानवर हो रहे हैं टोटल? फिलहाल मेरे पास है 73 नग है, छोटे मोटे नग। जो आपके शुरू में लाया था उनका ही हो रहा है? नहीं, बीच में अपने पास पहले थी दूसरी जखराना क्रॉसिंग की थी। अच्छा, और अब 8-10 महीने से ये सिरोही वाला कर रखा है। अच्छा, और फिलहाल भाई ब्याहन वाली बकरी कितने की आपने? ब्याहन वाली बकरी है अपने कहने फिलहाल 20 बकरी। और 20 के ऊपर ब्रीडर कितना रख रहे हो? 2 ब्रीडर है। अच्छा, ये आपको ब्रीडर है एक तो है? हाँ जी, एक तो ये है। अच्छा, सिरोही अजमेरा। अच्छा, ये आपके फार्म पर ही तैयार किया गया या बाहर से लाए हो? नहीं जी, बाहर से लिया थे। अच्छा, आपका नाम है? कितना कितना अभी अपने पास आए इसको गए 8 महीने के आसपास। और इसकी ब्रीडिंग भी ले रखी है क्या आपने? बच्चा है इसका? ये जो छोटे बच्चे इसी के हैं सारे, ये बच्चा? हाँ जी। अच्छा, बच्चा को भी कलर पैटर्न बढ़िया आ रहे हो? हाँ, इसी की ब्रीड तैयार कर रहे हैं अपन। ब्रीडर के तौर पर जैसे देखा जाए तो ये बकरा है, इसको अपन ब्रीडर के तौर पर तैयार करने सोच रहे हैं। अच्छा, आप वैसे बकरा ज्यादा ब्रीडर के तौर पर तैयार करके बेचो? हाँ। वैसे कटिंग में कौन बेचो? नहीं जी, अब ये जो बकरा है ये 2.5 महीने का है, तो बढ़िया रिजल्ट है इसका अभी तक। अच्छा, तो एक जैसे भाई आप तो ब्रीडिंग के ऊपर काम करो हो? हाँ हाँ। और कुछ लोग कटिंग के ऊपर काम करें, तो ज्यादा फायदा कौन सा है जी? ज्यादा फायदा तो ब्रीडिंग लाइन में ही है। अच्छा भाई, बढ़िया बकरी ले आवे और बढ़िया ब्रीडर हो और अच्छा बच्चा दे। हाँ। अच्छा, एक जैसे भाई आपके ने बकरी है बड़ी मानो? हाँ जी। तो कितने ग्रेड की है आपने? आपके ने मेरे पास प्रेजेंट टाइम में टॉप से टॉप बकरी 35,000 रुपये की। 35,000 रुपये की है? हाँ। अच्छा, और बकरी आ जाए अपना 10,000 में भी? हाँ, बकरी आ जाती है 10,000 में भी। तो फिर उसमें इसमें फर्क क्या हो जी? उसका शरीर ग्रोथ और उसकी जो लुक डिजाइन होती है उसके हिसाब से पैसे लगते हैं। कोई नया फार्मर स्टार्ट करना चाह रहा है जी, तो वो किस टाइप की लेनी चाहिए उसने? आपके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस था उसको साहब, मीडियम साइज की बकरी लेनी चाहिए। मीडियम साइज की? हाँ, जो कि 15,000 से 20,000 के बीच में बकरी मिल जाए। अच्छा, आपकी बकरी और दिखा दो। हाँ जी, है ना।
एक ब्रीडर ये अपने पास और एक अपने पास प्योर सिरोही का है। अच्छा, यो कितना महीना है, क्या दांत का हो गया? यो जी 6 दांत को। अच्छा, 41 इसकी हाइट है। अच्छा, ये भाई कोई भाई अगर लेना चाहो तो सेल खातर है आपका? हाँ बिल्कुल, सेल कर देंगे जिसको। अच्छा, और इसकी प्राइस वगैरह? प्राइस इसकी साहब 55,000 रुपये। 55,000 रुपये? हाँ जी। अच्छा, जैसे कोई बाहर को व्यापारी आया है तो भेज दोगे उसको? हाँ बिल्कुल। ठीक है जी, एक ब्रीडर और अपने पास, आओ वो और दिखाता हूँ पहले आपको, बकरिया बाद में दिखाएंगे। चलो, एक आपको न्यू ब्रीडर है? हाँ जी, एक ये है अपने पास प्योर सिरोही में। अच्छा, इसकी तो हाइट और लेंथ वो काफ़ी है। हाँ जी। ये कितना महीना का हो गया? ये भी साहब 6 दांत पे है, 2 साल के आसपास। इसकी ब्रीडिंग भी ले रहा होगे फिलहाल? नहीं, इसकी ब्रीडिंग इससे बकरियां लोडेड है जो कि अभी ब्याणी शुरू होने वाली है। अच्छा, ये बच्चा दिया कौन है? महीने 20 दिन में, क्योंकि अपने पास 3.5-4 महीने से। अच्छा, ये भी आपने बाहर से खरीदा है? हाँ जी, ये भी खरीदा है। तो जैसे फार्म ब्रीडर के ऊपर भी निर्भर करा है? बिल्कुल जी, फार्म मानो ब्रीडर जो है फार्म की रीढ़ की हड्डी के बराबर मानो। हाँ भाई, किसी कम जैसे बकरी तो बढ़िया आ गई और ब्रीडर लड़को आ गए तो फिर आगे फार्म हाँ, पहुंचा लगे, फसल खराब हो जाएगी, आगे बच्चे कमजोर होंगे उसके। इसकी ब्रीड तैयार कर रहे हैं अपन, बच्चे जो छोटे बच्चे हैं बकरे हैं तो ब्रीडिंग के लिए ही सेल करेंगे ब्रीडर के तौर पर। अच्छा भाई, ये आपने ब्रीडर सेल कौन करना, इसका बच्चा सेल करना? ये ब्रीडर सेल नहीं करेंगे जी। तो कितना दिन में आ जाएंगे आपके ने इसका बच्चा? इसके बच्चे आ जाएंगे साहब 1-1.5 महीने में। 1-1.5 महीने में? हाँ जी। ठीक है जी, चलो। अब आपके में लोडेड बकरी कितनी है? लोडेड बकरी है इनमें 20। हाँ जी, जो अभी 1-1.5 महीने में बच्चा दे देंगे? हाँ, 1-1.5 मानो, कोई कुछ का फिक्स तो है नहीं, देखो कि 1.5 महीना है, जैसे कुछ एक महीने 1.5 महीने की है, कुछ एक ज़्यादा की भी है। अच्छा, तो जैसे एक अपने बकरी लोड कराउंड को भी कई टाइम रखा करें? नहीं जी, अपना कोई टाइम नहीं, अपन तो देखो वैसे ही रखते हैं नेचुरली, अपना आप हो जाए। हाँ नेचुरली। तो उसमें बच्चा मरने की दिक्कत को नहीं आया? नहीं जी, अभी तक तो अपने साथ ऐसा हुआ नहीं है, बढ़िया बच्चे तैयार है, आपको दिखाए अभी, बच्चा आपका खूब बढ़िया है। हाँ। तो ये सारी बकरी आपके फार्म की हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, बकरी भी सेल करो कोई अगर लेना चाहो तो? हाँ, जिस को बकरी पसंद आए वो ले सकता है। अच्छा, दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे भाई आप ही रेट की बात करें कोई बकरी की, जैसे वह बकरी है, जैसे एक ये है, हाँ, कितना दिन की है ये? फिलहाल 6 दांत पे ही चल रही है अभी। और या तो बच्चों भी जल्दी दे देगी शायद? हाँ जी। अच्छा, तो जैसे एक सिरोही बकरी की मेन पहचान क्या है? सिरोही बकरी की जो मेन पहचान यही है, ये तो जैसे कलर हो गया, और कान भी इसी कलर पे ही होने चाहिए। कलर तो 2-3 लड़काओं है। हाँ, जैसे प्लेन वाला है ये भी सिरोही में है, इनमें क्या है कि सफेद काना जाते हैं उसको अजमेरी सिरोही बोल देते हैं। अच्छा, वो अजमेरा माजे है? हाँ, अजमेरा में काउंट हो जाती है। जैसे आपकन भी होगी यार? हाँ, जैसे मेरे पास भी है, ये रही एक, तो ये है। अच्छा, ये है। अच्छा, इनमें है कुछ एक बकरियां जो कि अजमेरा में है। तो उनको भी ग्रोथ को फर्क आओ कि भाई एक अजमेरा है एक सिरोही है? नहीं, ग्रोथ का कोई फर्क नहीं आता उनमें, सेम है। हाँ, क्या है उसमें ग्रोथ का फर्क यही आता है, जैसे कोई छोटी बच्ची है उसको आपने लोडेड करवा दिया तो उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। अच्छा, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बकरी अपना पूरा शरीर ले ले, 4 दांत हो जाए, 2 दांत हो जाए, उसके बाद ही उसको लोडेड करवाए जिससे अपना पूरा शरीर तैयार कर ले। आपको जैसे आपके 70 जानवर हैं फिलहाल? हाँ जी। खर्चों कितनों को जाए साल को? साल का खर्चा तो देखो अब साहब इसमें काउंट किया नहीं मैंने अभी तक, भाई आइडिया तो हो ही जाए लगभग, आप ही कोई भी काम करा तो आइडिया लगभग मानो कि बकरी में पर डे का 10-15 रुपये खर्चा एक बकरी का। हाँ, तो 7×21। हाँ, उसमें क्या है कि सूखा भूसा भी आ गया, दाना वगैरह है वो भी आ गया, कोई इनकी जो मेडिसिन वगैरह होती है वो सब कुछ काउंट हो जाता है इसमें 10-12 रुपये, मतलब 1500 रुपये के लगभग महीना को हो गया। हाँ जी। हाँ। ना सारी बकरियाँ हो? बिल्कुल जी। तो आपके तो चारा तो घर को हो जाता होगा, खेती है आपके? बिल्कुल जी, चारा निवारों के 80% अपना खुद का ही रहता है, कुछ हरा चारा बो लेते हैं, कुछ सूखा हो जाता है। और जैसे आप ये बात करें कमाई की, भाई आपने शुरू में 10 बकरियां शुरुआत करी थी? आज शुरू में मैं जखराना क्रॉसिंग लेके आया, उसमें बहुत ये मानो कि 7-8 बड़ी बकरी थी, कुछ बच्चे थे, तो उनसे मैंने 60-70 नक करके वो सेल कर दी। अच्छा, तो आपने सेल करने के बाद मैं सिरोही लेके आया। 3 साल हो गए आपने? हाँ जी। लगभग कितना बेनिफिट हो गया होगा 3 साल में? भाई आपने शुरू में 6 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट करे थे? शुरू में 6 का तो अभी सिरोही पे किया है, स्ट्रक्चर का और सिरोही पे मिला के। अच्छा, शुरू में जो जखराना ले गए थे वो तो मैंने बहुत ही कम रेट से शुरू किया था। अच्छा,
वो 70-80 हज़ार से शुरू हुई थी, 6-7 बकरियाँ और 2.5-3 लाख की फिर मैंने वो सेल कर दी थी। अच्छा, उनका बच्चा और ब्रीड तैयार करके? हाँ हाँ, वो संपूर्ण बेच दी थी। वो बेचने के बाद मैं ये लेके आया उसी को। अच्छा, तो अब भाई लगभग 3 साल में आपने कितनी कमाई कर ली होगी? 3 साल में साहब खेती बाड़ी से बढ़िया चल रहा है, मतलब सालाना 4-5 लाख की इनकम हो जाती है इन बकरियों बकरियों से। कितनी बकरियाँ हो जाती? अब देख लो, अपने पास बड़ी बकरी 25 है। अच्छा, और 25 भाई बच्चा दे ले सेल हो जाएगा बकरी? हाँ, बड़ी बकरी बच्चा इनमें 25 निकल बच जाएंगे और बकरे सेल हो जाएंगे। अच्छा, तो जैसे कोई भाई अगर भाई 10 बकरियां शुरुआत करे वो तो 2.5-3 लाख रुपया कमा सके सालाना? हाँ, बिल्कुल, सालाना 2.5-3 लाख आराम से बचा सकता। अच्छा, आज के टाइम में ये मानो भाई नौकरी कम हो रही है जी, और कोई बाहर कंपनियों में जा है 10-12 हज़ार जी, 10-12 हज़ार की नौकरी करने से अच्छा मैं तो ये मानता हूँ अपने घर पे बढ़िया खेती संभालो और इनको संभालो, इससे बढ़िया फायदा है। उस तो ठीक है, बिल्कुल जी। अच्छा, तो कोई जानवर को नुकसान भी हो है क्या आपका ना भाई? नयो आदमी बिना ट्रेनिंग करा जी दे नुकसान हो जाए। बकरी एक ऐसा जानवर है इसमें उजाड़ होता ही रहता है, लेकिन अपन अभी तक बचे हुए हैं क्योंकि देखभाल थोड़ी ज्यादा रखेंगे तो उस उजाड़ से अपन बच सकते हैं। अच्छा, आप भाई काम भी खुद करो, वर्कर को लग रहा है? खुद ही करते हैं अपन, कोई लेबर वगैरह कुछ नहीं रखते। लेबर के ऊपर निर्भर हो जाए तो भी नुकसान ज्यादा हो? हाँ, तो उसमें क्या है कि जैसे अपन है वो फ्री हो जाएंगे, ध्यान रखेगी लेबर, लेबर को क्यों ध्यान रखना उसको, इतना वो नहीं रहे तो उसमें खुद का ध्यान ज्यादा रहता देने का। जैसे किसी बकरियों को दिक्कत हुई तो मजदूर है वो नहीं बता पाएगा अपने को, अपन ध्यान नहीं देंगे तो उसका नुकसान होगा। तो आप इनमें बीमारी वगैरह को कितना ध्यान रखो? बीमारियां कोई ध्यान नहीं साहब, इनमें जुकाम बुखार का ध्यान रखो, बाकी टीकाकरण होता है इनका, साल में 2-3 बार टीकाकरण करते रहो। वैसे ज्यादा कोई बड़ी दिक्कत को नहीं? नहीं जी, मेरे आज तक कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आई अपने पास, तो कोई नॉर्मल में सर्दी जुकाम बुखार है। तो आप कने भाई ले जाएगी किसी ने और भी फार्म खोले उसके अपने एरिया में? हाँ जी, एक किलो की बकरी बिकती रहती है, कोई 2 लेके जाता है, कोई 4 लेके जाता है। ज्यादा वैसे आप बच्चा सेल करो इनका? हाँ, और अपन ने ईद के लिए बकरे भी तैयार कर रखे हैं। अच्छा, वो भी दिखा दे। 30-35 बकरे हैं। ये है आपका ईद का बकरा? हाँ जी, ये सारे ईद के लिए तैयार कर रखा है। अच्छा, तो ये आपके फार्म का ही है? नहीं जी, खरीदे हुए। अच्छा, बकरा तो खूब अच्छा है आपका, बढ़िया चमक है। तो जैसे इनको खाना अलग करो कि उनका? हाँ, बकरियों से थोड़ा दाना ज्यादा रहता है इनके लिए, दाना ज्यादा गिरो इसने। हाँ, भाई चमक आ जाए और बढ़िया तंदुरुस्त तैयार हो। बिल्कुल। तो जो आप भाई खस्सी करो हो वो कितना दिन में करो हो जी? खस्सी बकरे में जवानों की 10 किलो से वेट बढ़ा ले और कम से कम 4 महीने। 4 महीना और 10 किलो के आसपास हो? 10 किलो से वजन ऊपर ही होना चाहिए उसमें, वजन के हिसाब से करे तो 10 किलो से अभाव, और वैसे महीने के हिसाब से करे तो 4 महीने बच्चा कम से कम। अच्छा, कितना है आपके लिए टोटल? मेरे पास ये 35 नग है। ईद के ऊपर बेचोगा? हाँ, जिनमें सूदे कर रखे हैं, 2 बकरे हैं जो कि ब्रीडर के लिए छोड़ रखे हैं अलग से। अच्छा, उनको ब्रीडर तैयार करेंगे। तो ये तो भाई निमाने बकरी का बकरे के नग के हिसाब से होगी इनकी सेलिंग? हाँ जी, या वेट के हिसाब से करो? नहीं, नग के हिसाब से होगा इनका। अच्छा, जैसे आपका नियो है? हाँ, कितना दिन को हो गए हो जी? दिन का तो क्या है 10-12 महीने का हो गया लगे भैया। अच्छा, दांत कर लिए इसने 2-14 महीने के आसपास मानो। अच्छा, वे वजन कितना कर रहे हो? वजन है जी इसमें 45 और 50 के बीच में। कितना दिन में कर लियो इनको वजन आप? वजन इनका हर दो महीने में करते हैं भाई, पता चल जाए कितनी ग्रोथ कर रहे हो। हाँ हाँ। अच्छा, और दाना कितना गिरो है ना? दाना एक बकरे के वालों को 250 ग्राम के आसपास। अच्छा, तो ये तो वैसे अलग अलग महीना का होगा सारा? हाँ, सब अलग अलग। और अभी ईद के ऊपर सारा सेल कर दे भाई? हाँ, लगभग। पिछली ईद में बिक्रे आएंगे? नहीं, पिछली ईद पे नहीं, अपने तो यही बस तैयार किया आपके बाद। अच्छा, आपके बाद पहली बार तैयार करेंगे? हाँ, ठीक है। तो जी इनमें से अपने पास 2 ब्रीडर तैयार कर रहे हैं, एक तो ये है ये 4 महीने का बच्चा है। अच्छा, जो शरीर से बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, ये अपने उसी अजमेर उसका जो दिखाया था आपने? हाँ, अजमेरा वाले का। और ये अपन ने लेके आए थे, ये कौन सी नस्ल का है? ये सोजत में है, बिल्कुल बड़े कान है, वाइट आंख है और बढ़िया तैयारी चल रही है इसकी।
ये है भी 8-10 महीने का। 8 महीना भी? हाँ। इसकी आंखें देखो। हाँ, वाइट आई है। वाइट आंख, लंबे कान। हाँ, कान भी खूब लंबे हैं। 13-14 इंच का ऊपर है, 13-14। तो और कुछ आप बताना चाहो बकरी फार्म के बारे में? देखो जी, मैं तो यही बताना चाहूँगा, जो कोई भाई करना चाहता है तो खेती बाड़ी के साथ साथ ये धंधा बहुत बढ़िया है। अच्छा, मतलब 10-12 बकरियाँ शुरुआत करके? हाँ, बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है भैया।